स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं तो स्वागत है आप सभी का। साथ के साथ साइंस स्पेशल जो क्लास है आप सभी के लिए, डिफेंस, रेलवे, एसएससी सभी बच्चों के लिए। और पहला जो टॉपिक हुआ था ह्यूमन ब्लड सिस्टम हुआ था, और आज फिफ्थ टॉपिक है, यानी कि हम पांच चैप्टर को थियोरेटिकली कवर कर चुके हैं। पांच चैप्टर के अब मैं थ्योरी बेस्ड क्लास ला चुका हूं, जिसे आप सभी को देख लेना चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं मतलब यहाँ पे जुड़ जाओ, आप साइंस को कवर कर जाओगे। लेट्स क्रैक साइंस। तो करते हैं अपने 11 बजे वाले सेशन को स्टार्ट। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार सेशन को शेयर करना भाई, ठीक है। आज तो बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला, मतलब आज का टॉपिक वो है कि मतलब आएगा, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि मतलब क्वेश्चन ना आए, आना ही आना है क्वेश्चन तो, ठीक है। मैं वही टॉपिक उठा रहा हूं जो क्वेश्चन आने आने हैं। चलिए, साथ के साथ अन अकेडमी पे अमन 11 रेफर कोड यूज करिए, 7 मिनट ट्रिक चैनल को स्टार्ट कर ज्वाइन करिए। लाइव टेस्ट डिफेंस एग्जाम, डिफेंस वालों कल आप सभी के लिए स्पेशल क्लास है सुबह 10 बजे डिफेंस एग्जाम पे, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी के लिए। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जितने बच्चे देख रहे हैं साइंस स्पेशल क्लास, और आज का टॉपिक बताइएगा बच्चों, जल्दी से एक बार टॉपिक बता देना आज का टॉपिक क्या है, कमेंट करेगा एक बार बताइएगा टॉपिक क्या आज का, जल्दी से बताइएगा। नमस्कार भाई, जल्दी से बताइएगा आज का टॉपिक क्या है। आज हॉलीडे नहीं है यार, हॉलीडे तो कभी भी नहीं होता, कल भी आप सभी के लिए क्लास है, हॉलीडे तो कभी भी नहीं होता। चलिए देखते हैं, अगर मैं हॉलीडे की बात करूं तो आज हॉलीडे नहीं है, और आज हमारे लिए सबसे पहला टॉपिक जो है प्लांट हॉर्मोन्स का। बच्चे प्लांट हॉर्मोन्स पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर मैं बोलूं कि जो किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो विकास होता है, वो किसकी वजह से होता है, उसमें जो प्लांट हॉर्मोन्स है ना, उनकी वजह से होता है, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स होता है उनकी वजह से होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, दिमाग में रखिएगा, लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन होती है प्लांट हॉर्मोन्स की, दिमाग में रखना। पहला पॉइंट ये है, इसको पॉइंट को छोड़ेंगे, आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। मुझे बस इतना बताओ कितने प्लांट हॉर्मोन्स जो है स्पेसिफिकली हमें पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स बताइए, कितने प्लांट हॉर्मोन्स है जो हमें स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, उनको समझना है, उनको याद करना है, जल्दी से बताइएगा कितने प्लांट हॉर्मोन। कितने हैं बच्चे जल्दी से बताएगा, मैं एक लिखता हूं ना, नींद बुलाएगी पर जाने का नहीं। कितने प्लांट हॉर्मोन्स है आप सभी जानते हैं, कितने हैं, पांच प्लांट हॉर्मोन्स है जिनको हमें पढ़ना है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकिनिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है इथाइलिन, और पांचवा क्या है, एब्सेसिक एसिड। अब जब मैं प्लांट हॉर्मोन्स की बात करूं ना बच्चे, कुछ प्लांट हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हॉर्मोन होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और वो कौन से हैं, तीन है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन। ये तीन ऐसे हॉर्मोन हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये तीन ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, पूछा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे प्लांट हॉर्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे प्लांट हॉर्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं, वो कौन से, इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड। ये दो है, इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या है, कम करते हैं, दो ग्रोथ को बढ़ाते हैं और दो क्या है, ग्रोथ को क्या है, कम करते हैं, तीन ग्रोथ को बढ़ाएंगे और दो क्या है, ग्रोथ को कम करते हैं। अब इसे याद कैसे रखते हैं, हम याद रखते हैं कैग से, ठीक है, याद रखिएगा इसको कैग से, CAG, और हमें पता है कैग क्या होता है, कैग हमें पता है आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल 148। साइंस के क्वेश्चन कराओ यार, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सबर तो करो, लो तुम्हारा दिल खुश कर देता हूं, पहले सवाल पूछ लेता हूं एक, लो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, नेम अ डिजीज ऑफ प्लांट इन विच ब्रीडिंग अकर्स, जल्दी से बताएगा इसमें आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा ऐसा जो प्लांट डिसीज है जिसमें लीव्स के ऊपर क्या बन जाते हैं,
बीडिंग्स बन जाती है एक तरीके से, पत्तियों के ऊपर आप देखते हो ना बहुत छोटी छोटी चीजें बन जाती है, बीडिंग्स कहते हैं उनको। किसमें बन जाती है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बीडिंग्स किसमें बन जाती है, क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन सी प्लांट डिसीज में। मुश्किल है आप सभी के लिए क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है बच्चे, इसका आंसर क्या है, मेलीबग्स कहते हैं इसे, ये जो प्लांट डिसीज है इसे हम मेलीबग्स कहते हैं। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो मुश्किल है, इसे हम क्या कहते हैं, मेलीबग्स कहते हैं, दिमाग में रखिएगा मेलीबग्स कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक और क्वेश्चन है जो स्पाइडर माइट्स कह रहे थे ना, क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेलीबग्स कहा जाता है, स्पाइडर माइट्स नहीं कहा जाता, आप क्वेश्चन बताइएगा। ऐसा कौन सा प्लांट डिसीज है जिसमें पत्ते शाखाएं और फल सभी प्रभावित होते हैं, कौन सी ऐसी प्लांट डिसीज है जिसमें सभी प्रभावित होते हैं। यार सेशन एक बार शेयर कर देना सारे के सारे और लाइक कर देना सभी के सभी सेशन को, बताइएगा ऐसा कौन सा प्लांट डिसीज है जिसमें पत्ते शाखाएं और फल तीनों के तीनों प्रभावित होते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। मुश्किल है सभी के लिए, ठीक है। ऐसा कौन सा है, दिमाग में रखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी डिसीज में पत्ते शाखाएं और फल सभी पे क्या है असर पड़ता है, और आंसर क्या है बच्चे, इसे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिसीज है जिसमें पत्ते शाखाएं, नए नए क्वेश्चन है सारे, ठीक है, पत्ते शाखाएं और सभी पे असर पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर, इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हमारा क्या है, डी का आंसर है। दो क्वेश्चन जिसको नहीं आते थे वो दिमाग में रखना, मैं प्लांट डिसीज के सभी क्वेश्चन आज कराने वाला हूं और प्लांट हार्मोन सभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एक हार्मोन की बात कर लेते हैं, पहला हार्मोन है हमारा कौन सा है, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड हमारा पहला हार्मोन है, समझते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, समझिएगा एब्सेसिक एसिड के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहला मैंने आपको बताया ये नेगेटिव हार्मोन है, क्या है, नेगेटिव हार्मोन है, ग्रोथ को कम करता है, ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है, मैंने पहले बताया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा ग्रोथ को कम करता है, दिमाग में रखिएगा एब्सेसिक एसिड ग्रोथ को कम करता है। अब बच्चे ये इनहेबिटेटर है, ग्रोथ को कम करता है, कैसे कम करता है, ये जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है ना, जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसको क्लोज करता है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसको क्लोज करता है एब्सेसिक एसिड। जिसकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर, इसका मतलब क्या है कि जो स्टोमेटा है उसको क्लोज कर देगा, जब क्लोज कर देगा तो लाइट उसके अंदर एंटर नहीं करेगी, अब लाइट एंटर नहीं करेगी तो यार प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा जब लाइट एंटर नहीं करेगी। तो एब्सेसिक एसिड क्या करता है, प्लांट में स्टोमेटा को क्या करता है, बंद करने का काम करता है। अब स्टोमेटा पाया कहां पे जाता है, वो किस में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, और लीव्स में भी कहां पे ओरिजिनेट, कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में ओरिजिनेट होता है, कहां पे ओरिजिनेट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ओरिजिनेट होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज करने का काम किसका, एब्सेसिक एसिड का काम है, दिमाग में रखिएगा। और ये कहां पर पाया जाता है, लीव्स में, लीव्स में भी कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट है, एब्सेसिक एसिड के ऊपर जो आता है वो पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सिन है। मैंने आपको अभी बताया था तीन जो ऐसे हार्मोन है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि वो ग्रोथ को क्या है, बढ़ाते हैं। तीन ऐसे हार्मोन है जो पॉजिटिव है, जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं, दिमाग में रखिएगा, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब ऑक्सिन उसमें से एक है जो कि प्लस है, ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या काम करता है, ऑक्सिन क्या क्या काम करता है, इसको समझते हैं, ऑक्सिन क्या क्या काम करता है, ठीक है। अभी तक हमने एक ही याद किया है, अभी तक हमने एक ही याद किया है, एब्सेसिक एसिड, जो कि क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, और किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। अब हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट में कोशिकाएं होती है, उसको क्या करता है, एनलार्ज करता है, ठीक है। कोशिकाओं की वृद्धि का काम जो है किसका काम है, ऑक्सिन का काम है। अभी हमने एक जो लाइव टेस्ट था उसमें क्वेश्चन भी पढ़ा था, ठीक है। और बर्ड फॉर्मेशन, कली गठन जो होता है, बर्ड बन जाते हैं, जो प्लांट होता है उसमें बर्ड्स बन जाते हैं, कली गठन जिसे कहते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है, ठीक है। रूट इनिशिएशन, जड़ों की जो दिशा बनती है सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, मतलब जड़ों को बढ़ाता है,
वो कौन बढ़ाता है, क्या ऑक्सिन बढ़ाता है। तो तीन पॉइंट है जो ऑक्सिन से संबंधित है, पहला है सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, कोशिकाओं को बढ़ाना, दूसरा क्या है बड फॉर्मेशन, तीसरा क्या है रूट इनिशिएशन। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सिन का एक और काम होता है, ऑक्सिन का एक और काम जो है प्लांट में जो प्रोडक्शन होते हैं हॉर्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको भी ये इंक्रीज करता है। बाकी हॉर्मोन्स को इंक्रीज करने का भी काम किसका है, ऑक्सिन का है। तो चार काम आ गए हमारे ऑक्सिन के, पहला सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, कोशिका वृद्धि, दूसरा कली गठन बर्ड फॉर्मेशन, तीसरा रूट इनिशिएशन जो जड़ें हैं उसकी दिशाओं को जो सकारात्मक रूप में बढ़ाता है, और चौथा काम की बाकी सभी हॉर्मोन्स को भी क्या है ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जाता है, भाई सेशन लाइक कर देना सारे के सारे, शेयर भी करते जाओ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो बीज होते हैं उसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है। बीज में प्रोटीन का संश्लेषण किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है, दिमाग में रखिएगा, बीज में प्रोटीन का संश्लेषण ऑक्सिन की वजह से होता है। देखते हैं इस पॉइंट को, याद रखोगे पांच पॉइंट है ऑक्सिन के, ठीक है, पांच पॉइंट है ऑक्सिन के जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एब्सेसिक एसिड का एक ही पॉइंट है, ठीक है, और हमें नेगेटिव चीज चाहिए भी कम, लेकिन ऑक्सिन के चार पांच पॉइंट है और पॉजिटिव चाहिए भी हमें ज्यादा, ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, हमें प्लेन ज्यादा चाहिए। चलिए देखते हैं एक और, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो कि फलों जितनी भी फसलें होती है उनको गिरने से बचाता है, मतलब अगर फसल है अनाज है वो गिर जाए उससे बचाव कौन करता है, अच्छा हार्मोन होगा ना कोई जो फसलों से गिरने से बचाएगा। अब बताइए कौन सा इसमें से हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फसलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है, कि मतलब फसलें ना गिरे और सेफ रहे और बैसाखी का माहौल जो है मौसम जो है उसमें सुहाना मौसम हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीन इसका आंसर है, ऑक्सीन जो है फसलों को गिरने से बचाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जितने भी बच्चे देख रहे हैं डिफेंस के वो चीजों को दिमाग में रखना, ठीक है, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइएगा, बुलाती है पर जाने का नहीं क्या नींद। ठीक है, इसमें लिखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, बिल्कुल सही है, इसका प्रिंसिपल क्या है, IAA का प्रिंसिपल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, फॉल्स ऑफ लीव्स इनको बचाव करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये लिखा है ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड एट द रीजन ऑफ एलोंगेशन, ना बिल्कुल भी नहीं, रूट इनिशिएशन में प्रोड्यूस होता है, ये कहां पे प्रोड्यूस होता है, रूट इनिशिएशन में प्रोड्यूस होता है। तो आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, रूट इनिशिएशन में प्रोड्यूस होता है ना कि एलोंगेशन में प्रोड्यूस होता है। तो आंसर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी बात होने वाली है, जिब्रिलिन की बात होने वाली है, किसकी बात करें, जिब्रिलिन की बात करें, ये भी किसका पार्ट है, कैक का पार्ट है, तो ये भी क्या है यार, पॉजिटिव हार्मोन है जो पौधे हैं उसको बढ़ाएगा, कैक का पार्ट है और पौधों को बढ़ाता है, देखते हैं कैसे बढ़ाता है पौधों को, ठीक है, उनके विकास में क्या है, मदद करता है। अब कैसे मदद करता है ये देखते हैं, किस तरीके से मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, जिब्रिलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन का काम करता है, अंकुरित करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को अंकुरित करना, जो सीड जो है बीज जो है वो फटता है और उससे पौधा निकलता है ना, और जिब्रिलिन का काम यही है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर यही काम करता है। जिब्रिलिन का काम क्या है, बीज अंकुरित करना, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बीज को अंकुरित करना, बीज को फोड़ना जिसकी वजह से पौधा उत्पन्न हो, वो काम किसका है, जिब्रिलिन का काम है, दिमाग में रखिएगा, सीड जर्मिनेशन का काम किसका है, जिब्रिलिन का काम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के बाद, ठीक है, क्लियर है बच्चों, जितने बच्चे देखे, आंसर लगाए हैं सब, आज ना एनिमेशन ना अच्छे तरीके से हो नहीं पाया, तो एनिमेशन की वजह से क्या है, आंसर लगे लगाए आगे, आज आप सभी का अच्छा दिन है जो आपको जलील होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा काम जिब्रिलिन का क्या है, पहला है सीड जर्मिनेशन, ठीक है, दूसरा काम क्या है किसका, दिमाग में रखिएगा, दूसरा काम क्या है, पोलन फंक्शनिंग, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर काम आता है जिब्रिलिन, किसमें काम आता है, पोलन फंक्शनिंग, मतलब
जो एक सीड है जो है वो एक से दूसरे में जाए, पोलन फंक्शनिंग, पोलन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। और ये फर्टिलाइजेशन में हिस्सा बनता है, जिब्रेलिन यानी कि फर्टिलाइजेशन में काम करता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों में जिब्रेलिन ही काम आता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। जिब्रेलिन किस में काम आता है, जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों में आता है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्वेश्चन का आंसर, नेम द प्लांट हॉर्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट। कैम्बियम क्या होता है, जैसे ये प्लांट है ना, इसके साथ साथ जो छोटी छोटी जो तनिया सी बनती है ना, छोटी छोटी जो तनिया सी बनती है किसी भी जड़ों के साथ, जैसे मान लो एक ये पूरा तना है, तने के साथ छोटी छोटी जो पत्तियों के सामने ये बनता है, ये जो पार्ट है ना पत्तियों में, ये जो पार्ट है ये जो है कैम्बियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं, ठीक है, पौधे की लकड़ी। अब बच्चे ये जो पौधे की लकड़ी है वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, किसकी वजह से बनती है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा। ये किसकी वजह से, जिब्रेलिन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से ये बनती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चे, बताइए कौन सी ऐसी प्लांट डिसीज है जिसकी वजह से पत्ते जो है सफेद हो जाते हैं, नीचे से पत्ते क्या है सफेद हो जाते हैं, वो किसकी वजह से, कौन सी प्लांट डिसीज की वजह से, कौन सी प्लांट डिसीज की वजह से पत्ते जो है नीचे से सफेद हो जाते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, किसकी वजह से, डाउन मिल्ड्यू कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, डाउन मिल्ड्यू एक डिसीज है जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं ना नीचे से सफेद हो जाते हैं, ज्यादातर जो पत्ते झड़ जाते हैं उन पे ये जो डिसीज है लगती है, डाउन मिल्ड्यू कहते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब एक तरीके से सुस्ती, अगर कोई पौधा हाइट में छोटा है और उसकी हाइट को बढ़ना है तो उसमें कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, हाइट में अगर कोई पौधा छोटा है और उसकी हाइट एकदम से बढ़ती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, जिब्रेलिन प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, जिब्रेलिन उसमें प्रोड्यूस हुआ होगा, दिमाग में रखना, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, जिब्रेलिन प्रोड्यूस होता है। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है, 5:30 बजे वाली क्लास होती है, लेकिन आप सभी इस चीज का दिमाग में रखिएगा। एक और हार्मोन हमारा रह गया था, इथाइलिन, इथाइलिन मैंने आपको बताया था फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, इथाइलिन हार्मोन चाहिए होता है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, इथाइलिन हार्मोन चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन हार्मोन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये अंधेरे में ज्यादा क्या है ग्रो करता है, अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होता है, फास्टर रेट से ग्रो करता है अंधेरे में, डार्कनेस में फास्टर जो ग्रोथ रेट है इसकी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है, जो इथाइलिन है पहला तो फलों को पकाने का काम करता है, दूसरा क्या है, डार्कनेस में इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है इथाइलिन की। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बच्चों आंसर चाहे व्हाइट में हो या किसी में भी हो, अल्टीमेट एम क्या है, आपको क्लास में पढ़ने के बाद आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर दिख गया या आंसर आपको आ गया वो कोई डाउट ही नहीं है यार, जब पेपर में आपको आंसर आता होगा ना बस वो सफल हो जाएगा काम। ठीक है, आंसर आना चाहिए, अल्टीमेट एम आंसर आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि भैया गैसियस फॉर्म क्या है, इथाइलिन है, ये आज एनिमेशन की कमी होगी, बच्चों दिमाग में रखना, कल अपना जो लाइव टेस्ट 9 बजे होगा, रात को 9 बजे होगा, स्पीडी साइंस सीरीज जो होती है रात को 9 बजे स्पीडी साइंस सीरीज होगी बाय फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज पर जो होती है हमेशा की तरह। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, इथाइलिन होता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। ठीक है, ठीक है, फलों को पकाने के लिए इथाइलिन होता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो वो कौन सा है, साइटोकिनिन है। ठीक है, साइटोकिनिन क्या है, एक नेगेटिव हार्मोन है, क्या है, नेगेटिव हार्मोन है, क्योंकि हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, अच्छा जी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा साइटोकिनिन में एक आ गया, साइटोकिनिन पॉजिटिव है और किसमें काम करता है, कैक का हिस्सा है, कैक का हिस्सा है तो भैया पॉजिटिव है, सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल डिवीजन में और शूट फॉर्मेशन में, ठीक है, दो चीजों में काम करता है, सेल डिवीजन में काम करता है और शूट फॉर्मेशन में काम करता है, शूट मतलब जितने भी
जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना, शूट फॉर्मेशन मतलब जो तने हैं वो बढ़ते हैं इसकी वजह से, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। साइटोकिनिन जो है पॉजिटिव हार्मोन है जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन में काम करता है, और शूट फॉर्मेशन तना जो बनता है वो इसकी वजह से बनता है, साइटोकिनिन की वजह से बनता है। क्लियर है सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, कैक का मतलब क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैक का मतलब क्या है, उन्हें पता नहीं चलेगा कैक क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है दैट हेल्प इन मेकिंग द आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ प्लांट, बच्चे कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट का आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन सा ऐसा हार्मोन है। मैंने आपको बता दिया साइटोकिनिन इसका क्या है आंसर है, क्योंकि अभी हमने साइटोकिनिन पढ़ा है, एक हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ देते हैं। ठीक है, गोली जो बच्चे डिफेंस की बात कर रहे हैं तो बच्चों दिमाग में रखना, डिफेंस का अलग ही क्वेश्चन आता है और मैं डिफेंस का भी बता देता हूं अभी। बच्चे कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन में काम करता है, मैंने अभी बोला था साइटोकिनिन आंसर है, सेल डिवीजन में कौन सा काम करेगा, साइटोकिनिन ही काम करेगा, अभी क्वेश्चन में भी आ गया और ऐसे भी आपको समझ आना चाहिए कि सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन काम करता है, साइटोकिनिन काम करता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आज कोई जलील नहीं हुआ क्योंकि आंसर क्या है, एनिमेशन नहीं हो पाई ढंग से और व्हाइट कलर आ गया इसमें, ठीक है, ब्लू कलर की जगह व्हाइट कलर आ गया, बस बच गए तुम बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी ये स्क्रीन पे जो आपको ईमेल दिखा रहा हूं वो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी के लिए कल जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है वो इस चीज का दिमाग में रखे, कल हमारी डिफेंस की क्लास है यूट्यूब पे, पहली डिफेंस की क्लास है वो कहां पे होगी, डिफेंस एग्जाम चैनल, वाईफाई स्टडी का जो डिफेंस एग्जाम चैनल है वहां पर बच्चों अपनी क्या है क्लास होने वाली है। ठीक है, वाईफाई स्टडी का जो डिफेंस एग्जाम चैनल है वहां पर मैं आप सभी के लिए SSB जो एक्सपीरियंस किया है मैंने वो लेके आने वाला हूं, दिस इज मी 4th नंबर पे SSB इलाहाबाद, तो आप सभी के साथ जो SSB टिप्स है इन सभी को शेयर करने वाला हूं, दिमाग में रखे गया। जो बच्चा कह रहा है ये कौन है, ये कोई नहीं है, ये मैं ही हूं, पहले मैं थोड़ा इंसान लगता था अब मैं इंसान थोड़ा कमी लगता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिमाग में रखेगा, जल्दी से मतलब कल क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, मैं SSB में कॉन्फ्रेंस 3 बार जा चुका हूं और CDS मैंने 5 बार क्लियर किया है, उसका आपको फायदा उठाना है, उसका आपको फायदा उठाना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कल क्या है, डिफेंस एग्जाम चैनल पर सुबह 10 बजे 10 AM पर, कितने बजे सुबह 10 बजे 10 AM पर मैं आप सभी के लिए सेशन लेके आने वाला हूं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सभी सुबह 10 बजे मेरे साथ डिफेंस एग्जाम चैनल पे जुड़िए, बहुत प्यारा बहुत बेनिफिशियल सेशन होगा डिफेंस एग्जाम के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, चलिए जुड़ते हैं कल सुबह कितने बजे 10 बजे कहां पर, डिफेंस एग्जाम चैनल जो वाईफाई स्टडी की तरफ से बना हुआ, चलिए। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं ओके बाय, क्या करिए आप सभी के सभी, ये वैसे मेरी कॉन्फ्रेंस पिक है, SSB में कॉन्फ्रेंस तक 3 बार ही जा चुका हूं। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि डिफेंस का जो एग्जाम है ना उसकी अशोरिटी मैं लेता हूं, डिफेंस एग्जाम की अशोरिटी मैं लेता हूं, जो बच्चा मुझसे जुड़ेगा वो डिफेंस एग्जाम क्लियर करेगा। चलिए, वाईफाई स्टडी चैनल के साथ साथ आप अमन सर वाईफाई स्टडी इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, 20,000+ बच्चे होंगे, सभी के सभी ज्वाइन कर लो, अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करो, अमन सर वाईफाई स्टडी। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं ओके बाय, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं सुबह 10 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पर।